11 महीने से कैद इमरान खान ने जेल में इंटरनेशनल जर्नलिस्ट मेहदी हसन को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा पर यकीन करना उनका सबसे बड़ा रिग्रेट है। इमरान खान का इंटरव्यू मेहदी हसन ने अपने प्राइवेट वेंचर जेटे पर पब्लिश किया। साथ ही साथ मेहदी हसन ने बताया कि ये एक रिटर्न इंटरव्यू था, जिसमें मैंने इमरान खान को कुछ क्वेश्चन लिख के भेजे थे, जिनके उन्होंने रिटर्न में जवाब दिए। इमरान खान ने बताया कि उन्हें डेथ सेल में रखा गया है, जो कि दहशतगर्दों को रखने के लिए होता है, और ये लोग मेरी स्पिरिट को तोड़ने के लिए साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, लेकिन मेरा अल्लाह पर यकीन है और मैं इन सबसे और मजबूत हो रहा हूँ। मेहदी हसन ने सवाल किया कि क्या आपको अभी भी लगता है कि आपकी गवर्नमेंट गिराने में बाइडेन गवर्नमेंट का हाथ था, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि जनरल बाजवा ने अमेरिका में मेरे खिलाफ लोबिंग की और जो कुछ हुआ उस लोबिंग का रिजल्ट था। इमरान खान ने मजीद कहा कि जनरल बाजवा ने ये सब एक्सटेंशन लेने के लिए किया था, वो पावर का भूखा इंसान था, उसने पता नहीं क्या क्या झूठ बोले, मुझे रिग्रेट है कि मैंने जनरल बाजवा पर यकीन किया। मेहदी हसन के मौजूदा गवर्नमेंट के मुतालिक सवाल पर इमरान खान ने कहा कि ये 17 सीट पर बनने वाली गवर्नमेंट है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इमरान खान ने इंटरव्यू में पीटीआई वर्कर्स पर होने वाले जुल्म, इमरान खान का टीवी पर नाम लेने पर पाबंदी और रिसेंटली हसन रऊफ पर होने वाले अटैक पर बात की।